तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो बहुत दिनों बाद आज हम वन ब्लॉक खेल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने डाउनलोड लिंक नहीं दिया था, तो बहुत लोग कह रहे थे डाउनलोड लिंक दो, और ऊपर से बहुत मतलब टाइम हो चुका है क्योंकि थोड़ा बहुत बीमार था तो अच्छे से मैं बना नहीं पाया था वीडियो। और ऊपर से आपको आज ना मेरा थोड़ा गला ख़राब लग रहा होगा, मतलब थोड़ी आवाज़ अलग आएगी क्योंकि थोड़ी सर्दी भी हुई है। तो क्या है कि हम इसमें एंडर ड्रैगन को मारने वाले थे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ये चेस्ट आ रहे हैं जिसका शल्कर बॉक्स, जिसके अंदर मेरे को इलाइट्रा मिल सकती है। तो मैंने सोचा कि ड्रैगन को मारने से पहले हमको इलाइट्रा पहले ले लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सही होती है इलाइट्रा से। हम उड़ उड़ के मारेंगे एंडर ड्रैगन को, तो बहुत ही ज़्यादा आराम से उसको मार देंगे। ऊपर से स्लो फॉलिंग का पोशन पी लेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे एंडर मैन घूम रहे थे, अगर आपको अपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो बहुत स्पॉन हुए थे। तो मैंने उन लोगों को मार मार के खाली किया, और उधर एक विलेजर पता नहीं कहाँ से चला गया। विलेजर भी स्पॉन हो रहे हैं वाले, ये जो फेज आया ना इसके अंदर। ओके चलिए, तो क्या है कि आज हमको सिर्फ माइन करना है, और देख हमको इलाइट्रा मिलता है ना एंडर चेस्ट में, मतलब सॉरी एंडर चेस्ट क्या नाम है यार इसका, शल्कर बॉक्स। ओके शल्कर बॉक्स में तो मिलेगा मुझे पता है, और बहुत सारे रैंडम चीज़ें स्पॉन हो रही है। तो इलाइट्रा मिल जाता है तो बहुत सही, थोड़ा बहुत उड़ेंगे और अपने वर्ल्ड का मैं छोटा सा एक टूट दे दूंगा इलाइट्रा के साथ, और एंडर ड्रैगन को भी हम उड़ के ही मारेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और किसी ने मेरे से पूछा था कि शील्ड को हाथ में कैसे लेते हैं, तो देख सकते हो शील्ड के ऊपर क्लिक करके इधर रख लेना है तो हाथ में आ जाता है। तो पता नहीं किसने पूछा था, बट किसी ने तो पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। और नहीं और तो कुछ भी नहीं है, चलिए पहले माइन करते हैं। और इधर एक चेस्ट भी आया है, बहुत सारे बॉक्स, अरे बार बार चेस्ट की बोल रहा हूँ, बहुत सारे शल्कर बॉक्स आए। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने पहला वाला एपिसोड नहीं देखा होगा तो आपको पता नहीं होगा, पर बहुत ही ओपी ओपी चीज़ें आए हैं। तो पहले दिखाता हूँ मैं आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आपको दिखेगा कुछ बुक्स और फिशिंग रॉड, और इसके अंदर आपको दिखेगा एक स्वॉर्ड और क्या बोलते हैं इसको, कुछ बुक्स, और इसके अंदर एक ट्राइडेंट और बुक। तो इसमें कौन सी इंचेंटमेंट लगी है तो मैं बाद में बताऊंगा इसको, अभी इसके अंदर क्या है देखते हैं। तो इसके अंदर क्रॉसबॉर इंच, ये बुक नहीं देख रहा क्योंकि बुक में तो कुछ स्पेशल स्पेशल आ रहे। ओके ये क्या है, अच्छा ये तो वो है मतलब अपना एंडरमैन है। तो एंडरमैन तो आई आप पता नहीं क्यों, ओके वो आ रहे क्योंकि एंडरपल की जरूरत पड़ेगी ना हमको एक्टिवेट करने के लिए। तो आई थिंक मेरे पास इनफ एंडर पर्ल। ओके एमरल्ड का ब्लॉक आया, बहुत सही। और यहाँ पे एक्स, ओके ये रहा एक्स, तो एक्स तो काफ़ी सी। एक मिनट में ये एंडर क्या नाम है इसका, शल्कर बॉक्स। अरे यार मैं बार बार एंडर चेस्ट इसको क्यों बोल रहा हूँ, पहले मेरे को ही समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले ना इधर माइंड करने लगते हैं, और जितना हो सके उतना मैं माइंड करता हूँ। ओके ये सब आ रहा है, ये मोसिकोपर स्टोन और ये ब्रिक्स ब्रिक्स आए यहाँ पे। ओके यहाँ पे ये सब भी स्पॉन होंगे, पर चलो कोई नहीं, स्पॉन होने तो अपना क्या जाता है, अपने तो मार देंगे इनको। बस गास्ट स्पॉन ना हो जाए क्योंकि गास्ट ना बहुत खतरनाक तबाही मचा देती है। बस एक हमको चाहिए बॉक्स जिसके अंदर इलाइट्रा मिल जाए ना, बस इतना ही चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इलाइट्रा तो मिल सकता है क्योंकि चांसेस है मिलने के, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मिल जाए मिल जाए। ओके ये एंडरमैन नीचे कहाँ चला गया, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो। और ये सब क्या क्या मिल रहा है भाई, ओके ऑप्सीडियन, बहुत टाइम लगता है ऑप्सीडियन को तोड़ने में। तो चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे भी लगा देंगे क्योंकि गास्ट आएगी उड़ा देगी पूरा का पूरा, तो सही नहीं। ओके बीच है, तो चलो भाई पहले मैं थोड़ा सा क्राउच हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये पोशन फेंक सकती है। तो क्राउच हो जाने का क्योंकि उसका पोशन आएगा भी तो उसके साइड चला जाएगा वापस से, ऐसा मेरे को लगता है। अभी पता नहीं ऐसा होता है यानी, आप लोग मुझे बताना। अभी एक काम करते, नाइट में भी मैं माइंड करने वाला हूँ, और ऊपर से मैं ढंग से बोल ही नहीं पा रहा हूँ, एक तो सर्दी हुई है। ओके ये ब्लेज आई है ना, तो ये पहले स्पाइडर को ठिकाना लगाते हैं, और उसके बाद ब्लेज को। तो ब्लेज रॉड के लिए गेम में बार बार आ रहे हैं जिससे हमको ब्लेज रॉड मिलेंगे, और हम क्या बोलते हैं ये जो नीचे पोर्टल है उसको एक्टिवेट करेंगे। मैंने पोर्टल को कवर किया है क्योंकि जो भी आ रहा है सब पोर्टल में जाके गिर रहे हैं, देख सकते हो। लाइक ये देखिए नीचे चला गया, तो ये कुछ इस तरीके का ही हो रहा है। चलिए कुछ, ओके डायमंड मिला। तो अरे यार फॉर्चून होता ना इसमें तो मज़ा आ जाता, फॉर्चून नहीं है ना तो अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। चलिए कोई, ओके ये कलेक्ट नहीं हुआ क्या, ओके इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, इतने अलग अलग चीज़ें आ रहे हैं, डायमंड कैसे कलेक्ट नहीं हुआ, डायमंड तो कलेक्ट होना चाहिए सबसे पहले। तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ आ रहे हैं ना इसलिए नहीं हो पा रहे कलेक्ट। ओके ये क्या, इधर खुल कैसे गया, ये है ना जितने भी अंडर मैन है सारे के सारे ब्लॉक लेके गायब हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, अब सो के आता हूँ पहले फटाफट। और ये हमारा सब कुछ सब सही, वहाँ पे क्रीपर वीपर है और बहुत सारे विलेजर, कोई टेंशन नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से आ गया नमूना, तू कहाँ से आया भाई, ऐसे करके इस तरीके से जूम करके पूछने का क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए पहले फटाफट सो लेता हूँ मैं। तो गाइस वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए थे ना, तो वहाँ पे सो नहीं पा रहा था, बार बार लिख रहा था कि मॉन्स्टर नियर बाय, इसलिए मैं यहाँ पे बेड लेके आया हूँ। और ये जो दो शेल्कर बॉक्स है उसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसमें बॉटर ऑफ पता नहीं क्या क्या है। ओके पिकैक्स है, इसमें कौन सा ये इंचेंटमेंट है, पियर्सिंग पता नहीं क्यों आया, पर मेरे पास एफिशिएंसी है
बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं हो। यहाँ पे जो क्रीपर है वो पता नहीं वहाँ पे कैसे स्पॉन हुआ, बट उसको इग्नोर करो, अभी हमको माइंड करना है। बस इलाइट्रा एक बार मिल जाए ना तो काफ़ी सही। चलिए फटाफट माइंड करते हैं। ओके ये कहाँ कहाँ से आ रहा है भाई, इनको मैं अभी मार नहीं रहा हूँ क्योंकि इनको मारने की मेरे को वैसे भी इच्छा है नहीं, इसलिए बस इनको। ओके इसके अंदर कुछ, अरे यार एक मिनट इसके अंदर क्या है पहले देखने थे। इसके अंदर पड़ा है गोल्डन एप्पल है, यहाँ पर लिख के आता है ना, तो पहले इसको रखते हैं फिर कलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक मिनट में रखता हूँ। बहुत सारे आ रहे हैं, ब्लैक ब्लू को भी इतना ज़्यादा मिले थे क्या, पता नहीं मेरे को तो। देखते तो इसके अंदर एक्स है और एक मल्टी शॉट है, तो ये बेकार की चीज़ें भी इसी में रख देता हूँ क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत है भी नहीं ना वैसे भी। तो ये टेराकोटा ये रख देते, डर्ट रख देते, जब मतलब जब इसका यूज़ होगा तब मैं। ओके गास्ट की आवाज़ आ रही है, वेट अ सेकेंड, वेयर इज़ गास्ट। ओके वेट अ सेकेंड, गास्ट कहीं तो स्पॉन हुई है। अरे यार ये पूरा का पूरा उड़ा देगी मेरे को ऐसा लग रहा है। पहले मैं इसको तोड़ दूँ तो क्रीपर ना आ जाए। अरे ये गास्ट कहाँ से आवाज़ कर रही है, मुझे दिख क्यों नहीं रही है। अरे गास्ट मेरे को कंफ्यूज कर रही है पहली बात तो, और वो तो नीचे भी तो देखने से दिख नहीं रही है मेरे को, शायद डिस्पोन हो गई है, पता नहीं क्या कहूँ अब मैं इसको, क्योंकि गास्ट तो दिख ही नहीं रही मेरे को बट उसका आवाज़ आ रहा था। तो कोई बात नहीं यार, अब मैं ना अंदर बैठ के ही माइंड करने वाला हूँ, जिससे कि कोई मॉब भी आएगा ना तो भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं माइंड करने। बस एक वो तो चाहिए मेरे को, क्या बोलते हैं यार उसको, ये लाइटरा मिल जाए तो वही तो चाहिए बस। एक एंडर सॉरी वो चेस्ट, उसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, चेस्ट का नाम, उसको शल्कर बॉक्स बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, क्या करो मैं भी। चलो माइंड करते। ओके ये जादूगर, ए वेट अ सेकेंड, अरे यार एक बंद हो यार, ये जादूगर को मान कहाँ गया, कहाँ गया भाई। अरे यार ये तो भाई मार देगा, कुछ भी करो ये मार देगा, गया कहाँ वही नहीं पता ना मेरे को। तो पहले ओके मार भी दिया। तो ये जादूगर होता ही इतना खतरनाक है, क्या है कि ये जादू करता है ना, और ये कहाँ पे वो भी नहीं पता ना मेरे को। ओके ये रहा ये रहा, वेट अ सेकंड, तेरे को तो मैं हाथ से ही मारूंगा, वेट वेट कर, तू कहाँ भागेगा यार, तेरे भागने से पहले ही मैं तेरे को मारने वाला। ओके इसको है ना स्नो गोलम भी मार, कहाँ गया, ओके कहीं तो चला गया ये, बट इसको मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। इस देख सकते हो ये होता है एक जादूगर को हाथ से मारने का, मतलब कितना हिम्मत चाहिए होता है इसको हाथ से मारने के लिए, बेचारा फंस गया। तो हो सकता है ओके टोटम ऑफ वन डैम और एक एमरेल दिया। अच्छा इसने वैक्स नहीं निकाला, वैक्स निकाला होता ना तो कब का मैं टपक चुका होता, क्योंकि वैक्स का एक शॉट बजा ना, मैं बिना आर्मर का था और एक शॉट से ख़त्म। वैसे मैं यहाँ पे भी नहीं मरता, बट क्या है कि मेरे पास वो नहीं था ना, कोई भी आर्मर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो काम करता हूँ, पहले तो ये आर्मर पहन लेता हूँ, फिर ये शील्ड लगा लेता हूँ। अब टोटम ऑफ वन डैम को मुझे कहीं पे तो सही सलामत रखना होगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर शील्ड है और लूटिंग है और सील टच है, तो इसको मैं माइन करके कहीं पे रख देता हूँ। ओके और ये बुक भी आ रहा है, और ये खुल कहाँ से जा रहा है पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। शायद कोई कोई एंडरमैन है ना डर्ट के ब्लॉक को लेकर, अरे यार ये तो मैंने ही तोड़ दिया गलती से, तो मेरे को लग रहा है कि कोई एंडरमैन है ना गलती से ना यहाँ से ग्लास के ब्लॉक्स लेकर चले जा रहे हैं। यहाँ पे रखते हैं और इसके अंदर रख देते टोटम ऑफ अंडाइन, और एमरल्ड है तो एमरल्ड रख देते, और ये बेकार की चीज़ें इसी में रखते, बेकार में नए नए चेस्ट बना के क्या फ़ायदा, वो खाना भी आगे रख लेते। तो चलिए फिर फटाफट माइंड करते, अगर कोई लाइटरा विलाइटरा मिलती है तो बहुत सही, और नहीं मिलती है तो कर भी क्या सकते, अपने हाथ में कहाँ पे। तो चलिए फटाफट माइंड करते, एक्स की तरह ओके ये रहा। One eternity later. तो गाइस बहुत देर से माइनिंग करने के बाद फाइनली जाके मुझे एक चेस्ट मिला, देख सकते हो यहाँ पे और तीन चेस्ट मिले थे, बट एक में फिशिंग रॉड निकली थी, एक में पैंट निकला था, और एक में चेस्ट प्लेट निकला था जो कि बहुत बेकार था। लेकिन फाइनली एक जाके अभी निकला इतना माइंड करने के बाद, जिसके अंदर मुझे मिला है रेप्टाइड अनब्रेकिंग और सबसे इंपॉर्टेंट इलाइट्रा। तो एक काम करते सबसे पहले ना मैं इलाइट्रा को यहाँ से निकालता हूँ, और क्या पता इसको निकालने के बाद इसके अंदर कोई मॉब स्पॉन हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए एक काम करता हूँ सबसे पहले मैं इलाइट्रा यहाँ पर रख देता हूँ, और उसके बाद जाके मैं ना इसको माइंड करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इलाइट्रा तो मिल चुकी है। ओके क्या हो गया, ओके इस ब्लॉक के ऊपर आ गया, तो मेंडिंग भी है अपने पास, मेंडिंग तो पड़ी है, तो मेंडिंग की कोई टेंशन नहीं। और क्या चीज़ होता है देखने तो मेरे को, ओके ये बेवकूफ़ आ चुका है तो इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। तो देख सकते हो हमको सबसे मेन चीज़ तो मिल चुकी है इलाइट्रा। एक काम करते सारा का सारा चीज़ मैं खाली करता हूँ, फिर एक टूर लगाते उड़ के इलाइट्रा से, इस पर मेंडिंग तो बाद में लगा दूंगा। तो चलिए पहले ना सोते हैं और उसके बाद दिन में एक टूर तो करते हैं इलाइट्रा पे। तो गाइस दिन तो हो चुकी है, अब मैंने इलाइट्रा ले लिया और मैंने अपने मेंडिंग की और अनब्रेकिंग की बुक ले ली जो मुझे ना मिला था वो शेल्कर बॉक्स में। ओके ये क्या कर रहा है बेवकूफ़,
तो हमको सिंपली अंदर जाना है। चल भाई अंदर, और इसके अंदर जाके हमको इसमें मेंडिंग लगानी है। सबसे पहले तो मेंडिंग लगेगा, और उसके बाद इसके अंदर लगेगा हमारा ये क्या नाम है, ओके अनब्रेकिंग तो हो चुका है। अब अपने हमको है ना गन पाउडर चाहिए, तो उसके लिए हमको थोड़े बहुत पेपर्स चाहिए ना, गन पाउडर तो सॉरी मेरे पास पड़े हैं, पहले से पड़े हैं, तो मुझे थोड़े से पेपर चाहिए, 24 गन पाउडर एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गई है तो, बट कोई नहीं। तो मेरे पेपर्स सॉरी पेपर्स क्या पेपर्स कहाँ हैं, तो पेपर्स तो नहीं है, बट मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ पेपर्स, ये रहा अपना शुगर कैन, थोड़े से तोड़ लेते हैं, उसमें क्या जाता है, इतने सारे शुगर कैन का मैं क्या करूँगा जब अगर मैं इनका पेपर्स नहीं बना पाया तो। तो ज़्यादा नहीं, मैं 5-6 बना लूँगा ना, फिर भी पहले इतने से काफ़ी है फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा चाहिए नहीं, ज़्यादा उड़ना है नहीं ना, एक छोटू सा तो टूट देना है। चलिए काम कर तो बना लेते, लेकिन एंड में जाएंगे ना लड़ने के लिए तब शायद ज़्यादा लगेगा। तो देख सकते कितने हो चुके हैं, और ये एरो का बटन से एक साथ क्लिक करो सारे के सारे बन जाते हैं। चलो ये मैंने पहना, अब बस क्या है कि मेरे को ध्यान रखना है कि मैं गिरूँ ना, क्योंकि एक ही लाइटर मिली है, और ये हाथ से ना मैं शील्ड को हटा लेता हूँ पहले। तो ये डबल जंप और एक होल्ड, अरे उड़ जा भाई उड़ जा, ओके उड़ चुका है बहुत सही, और हमारा वर्ल्ड देखने दे, मतलब ज़्यादा दूर ना चल जाओ तो काफ़ी सही लग रहा है, ऐसे उड़ते हुए देखने में वर्ल्ड काफ़ी सही लगता है, इतना स्पीड में मत जाया ग्लिच होएगा। इसके ऊपर लैंड करने की कोशिश करता हूँ आराम से आराम से, एकदम बेहतरीन तरीके से लैंड हो गया बहुत सही, और अगर मैं नीचे कूदूंगा तो शायद मर सकता हूँ। ओके ओके ओके, अरे यार जैसा कि मैंने कहा था मैं बटन दबाना ही भूल गया, अरे यार क्या कर सकते, बस वो इलाइटर ना गई हो मेरी, ओके इलाइटर चली गई होगी तो फिर तो लग गए, क्या कर सकते। अब चलिए पहले चल के देखते हैं, मैंने तो सोचा था कि आराम से उड़ जाएंगे, लेकिन वो बटन जंप का बटन ही प्रेस नहीं किया और ये हो गया, तो बहाने तो करने पड़ते एक्चुअली। तो देखते कि कहाँ पे मेरे सारे का सामान शील्ड ये रहा, ओके इलाइटर सबसे इंपॉर्टेंट इलाइटर मिल चुकी है, बाकी सब गए तेल पीने। तो चलिए अब देखते हैं, ये भी मिल चुकी है, ये भी मिल चुका है, सब कुछ हो गया ना, ओके एकदम बेहतरीन तरीके से। अब एक और बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि सब कुछ है तो करी ना, तो खाना है पीना है और सब कुछ है। चलो फिर तो एक और टूर बनता है, मैं क्या करूँ यार, मैं तो बटन क्लिक करने गया था बट हुआ नहीं, तो मैं क्या कर भी क्या सकता। अरे उड़ ले भाई अब तो उड़, बहुत सही, अब देख सकते हो काफ़ी सही है। अभी मैं दिखाता हूँ वर्ल्ड, तो यहाँ से अपना वर्ल्ड है और रेंडर भी नहीं हो रहा है। ओके इतना स्पीड में मत उड़ो भाई, मैं कभी कभार है ना इतना स्पीड में उड़ने लगता है इलाइटर से कि अपना वर्ल्ड ही दिखना बंद हो जाता है। ओके देख सकते हो, तो आई थिंक चलिए देख सकते हो हमको इलाइटर भी मिल चुका है, और नेक्स्ट ओके क्या स्मूथ लैंडिंग हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम ड्रैगन को मारेंगे, वैसे भी अभी बना नहीं पा रहा हूँ थोड़ा बहुत बीमार हूँ, बट कोई नहीं जल्दी हम इसको भी एंड कर देंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।